हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के बारे में। जी हाँ, काफ़ी वक्त से ये मूवी चर्चा में थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मूवी आखिर कब रिलीज़ हो रही है। रिलीज डेट फिलहाल तय नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि ये फिल्म अगले साल आ रही है। करण जौहर ने खुद ट्विटर पर जाकर कहा, द कॉलेज ओपनिंग डोर टू इट्स न्यू स्टूडेंट्स टाइगर श्रॉफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, अभी तक हीरोइन के बारे में कुछ नहीं बताया कि इस फिल्म में एक्ट्रेस कौन कौन सी होंगी। ये फिल्म पुनीत मल्होत्रा डायरेक्ट करेंगे, जिसे आप देख सकते हैं, और फॉक्सटार हिंदी इसको प्रोड्यूस करने वाला है। ये कहीं ना कहीं पहला पोस्टर आया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं हम कि एक बड़ा जंप है टाइगर श्रॉफ के लिए, जो एक ही तरह की लगभग लगभग फिल्म करते हुए अभी तक आ रहे हैं। ऑफकोर्स ये भी लगभग एक रोमांटिक फिल्म ही होगी, लेकिन इतना साफ होगा कि ये फिल्म करण जौहर बैकअप कर रहे हैं, यानी कि ये फिल्म की स्टोरी बहुत धमाकेदार होने वाली है। जिसे लिखा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर, एडमिशन्स ओपन 2018। तो बहुत अच्छा एक फील गुड पोस्टर है, और उम्मीद ज़्यादा है इस फिल्म से, और बस देखना ये कि ये फिल्म किस तरह से कमाल करती है। लेकिन ये है कि टाइगर श्रॉफ होंगे, तो यूथ बहुत ज़्यादा इस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड रहेगा, और हम उम्मीद यही करते हैं कि फिल्म जल्द से जल्द रिलीज़ हो, उसकी रिलीज डेट भी पता चले। फिलहाल आप कितने खुश हैं इस पोस्टर को देख कर, और टाइगर श्रॉफ का ये नया लुक देख कर? मेरे ख्याल से बहुत हैंडसम और बहुत कूल लग रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिलहाल कितना ही, बाय बाय।